Hey guys, welcome back to my YouTube channel Sharak Skin Care. Guys, कैसे हैं आप सब? So आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो समर के बेस्ट टोनर. ये जो टोनर है ये आपके फेस के रिंकल्स को कंट्रोल करेगा, और ये जो टोनर है वो आपके फेस पे लाइटनिंग करेगा, फेस पे टैन हुई है उसको रिमूव करेगा. अगर फेस पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मियों में बार बार फेस वॉश करना पड़ता है, तो उसकी जरूरत नहीं है. आपको जस्ट फेस पे ये स्प्रे करना है तो आपका फेस जो है वो एकदम से फ्रेश भी लगेगा, और बार बार फेस धोने का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा. वैसे तो आपको पता होगा कि टोनर कैसे यूज करते हैं और इसका काम क्या है. अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद हम फेस पे टोनर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम फेस पे मॉइस्चराइज अप्लाई करते हैं. फेस वॉश और मॉइस्चराइज अप्लाई करने के बीच का जो काम होता है वो टोनर का होता है. टोनर अप्लाई करने से हमारे फेस के जो पोर्स है वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि बाहर की जो धूल मिट्टी है वो हमारे फेस पे ना चिपके और पिंपल्स या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम ना हो. सो चलिए गाइस, इस दोनों टोनर्स को कैसे बनाना है, बहुत इजी स्टेप है, सारे इंग्रेडिएंट्स घर से ही अवेलेबल हो जाएंगे. तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. उससे पहले गाइस आपको करना होगा मेरा एक छोटा सा काम. अगर आप मेरे न्यू व्यूज हो और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जल्दी से प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए. सो गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे एंटी एजिंग टोनर. उसके लिए आपको चाहिए सौंफ. सौंफ जो इजीली हर घर में अवेलेबल हो जाती है, 3 से 4 चम्मच आपको सौंफ लेनी है, जिसको हम फेनल सीड्स भी कह देते हैं. इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के लिए बेस्ट टोनर है. आपको फ्रेश भी रखेगा और ठंडक भी देगा आपके फेस के ऊपर. अब आपको 3 से 4 चम्मच सौंफ के एक पैन में डालने हैं और 1 कप भर के पानी उसमें ऐड कर देना है. जब आधा पानी रह जाए तो गैस को बंद कर देना है. गाइस, सौंफ में होता है विटामिन सी और ए. इसके अलावा इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्किन को बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है, ये एक्ने को ठीक करता है. इसमें एंटी एजिंग गुण बहुत ज़्यादा होते हैं जो रिंकल्स की प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली रिमूव करता है. ये आपकी स्किन की गहराई में जाकर उसमें धूल मिट्टी पोल्यूशन गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है. इसके साथ साथ ही ये डेड स्किन सेल्स को ईजिली रिपेयर करता है. अब जब 1 कप की जगह आधा कप रह जाए तो आपको इसको छान लेना है. जितनी क्वांटिटी में आप फेनल सीड्स का पानी लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसमें गुलाब जल ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है. तो ये आपका एंटी एजिंग टोनर बनके रेडी है. इसको आप किसी स्प्रे बॉटल में या घर पे कोई भी बॉटल आपके पास अवेलेबल है उसमें आप इसको ईजिली 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. हमेशा टोनर फ्रिज में स्टोर करें, ताकि जब भी आप अपने फेस पे अप्लाई करें तो आपको इसकी ठंडक महसूस हो. तो गाइज, ये सौंफ का एंटी एजिंग टोनर बनके रेडी है. अब हम बनाएंगे दूसरा टोनर, फेस ग्लोइंग टोनर. उसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 से 4 चम्मच कच्चे चावल. कच्चे चावल एक बाउल में लेके उसको अच्छे से धो लीजिए. धोने के बाद मैं इसको गुलाब जल के साथ चावलों को डिप करके रख रही हूँ. अगर गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर में भी इसको डिप करके रख सकते हैं. अब आपको चाहिए 1 लेमन. लेमन के पीसेस काट लेने हैं आपको, और इसी पानी में आपको चावलों के साथ ही अच्छे से डिप कर देना है और 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि चावलों की और नींबू की जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं वो इस पानी में अच्छे से आ जाए. ध्यान रखना है कि चावल और नींबू दोनों ही इस पानी में अच्छे से डिप हो जाने चाहिए. अब 2 घंटे बाद आपको इस नींबू को इसी पानी में निचोड़ देना है और चावलों को भी अच्छे से इसी पानी में मिक्स कर देना है, तो ताकि चावलों की और नींबू की जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं वो इसी पानी में आ जाए. उसके बाद इसको अच्छे से हिला के इसको छान लेना है हमें. छानने के बाद इसको किसी स्प्रे बॉटल में या नॉर्मल बॉटल में इसको स्टोर करके 10 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है. चावल जो है वो दुनिया भर में नेचुरल ग्लो पाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है. चावल में स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. इसको अगर हम रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगती है.
राइस जो है वो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्किन के पे अगर रिंकल्स हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है, सूरज की यूवी रेज से स्किन की प्रोटेक्शन करता है। तो कुल मिला के राइस जो है वो स्किन को नेचुरल ग्लो देने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। टोनर्स को दिन में 3 से 4 बार जब भी मन करे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो किसी स्प्रे बॉटल में डाल के इसको फेस वॉश करने के बाद डायरेक्ट अपने फेस पे स्प्रे कर ले और डैब डैब करके नेचुरल सूखने दे। और दूसरा तरीका ये है, या तो आप किसी बॉटल में इसको डाल लीजिए और कॉटन की हेल्प से इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए और नेचुरल इसको सूखने दीजिए। तो गाइस ये दोनों तरीकों से आप अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर सकते हैं। आप आई होप आपको मेरी सारी वीडियो की डिटेलिंग समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको कंफर्म करना है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।